चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 20। न प्रहृषेत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियम्। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। न प्रहृषेत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियम्। स्थिर बुद्धिर असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। भगवान इस श्लोक में ऐसे ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं ब्रह्म में स्थित। भगवान ने पीछे कहा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, यानी जो ब्रह्म की स्थिति में है, जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, तो उसके लक्षण हैं न प्रहर्षित प्रियम प्राप्य। प्रहर्षित यानी कि बहुत हर्षित नहीं होता है, न प्रहर्षित प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को पाकर बहुत हर्षित नहीं होता, अप एंड डाउन जंप नहीं करता। न द्विजित प्राप्य चाप्रियम, न उद्विजित यानी कि उद्वेग निराश नहीं होता। प्राप्य चाप्रियम, अप्रिय वस्तु को पाकर सामान्यतः क्या होता है, प्रिय वस्तु को पाकर हम बहुत हर्षित हो जाते हैं, फूले नहीं समाते। और कोई अप्रिय वस्तु मिल जाए, अप्रिय घटना घट जाए, तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पर ब्रह्म को जानने वाला, आध्यात्मिक तल पे जीने वाला व्यक्ति ऐसे प्रिय वस्तु को पाकर अत्यधिक हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता, निराश नहीं होता। क्यों ऐसा होता? स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ हो, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, फोकस्ड है अभी, इंटेलिजेंस। स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ हो ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्मणी, ब्रह्म में स्थित। केवल जानने वाला नहीं, मानने वाला,
बहुत लोग जानते हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन सब जानने वाले जो लोग हैं वो सब ब्रह्मण में स्थित नहीं है। तो इस श्लोक का अनुवाद है कि ब्रह्म में स्थित व्यक्ति, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो असम्मूढ़ यानी कि मोह रहित है, ऐसा व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर अत्यधिक हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर बहुत निराश नहीं होता। तो कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि आध्यात्मिक तल पर जीने वाले व्यक्ति एक असीम सुख का अनुभव करते हैं अपने जीवन में। उनके पास एक महान शांति होती है, जैसे मानो कोई करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, वो कार से चल रहा है और कार से बाहर निकला बाजार में और अचानक उसके पर्स से ऐसे 50 या 100 का नोट नीचे हाथ से स्लिप होकर गिर गया। अब रास्ते पे कई प्रकार के लोग चलते हैं, एक भिखारी ने देखा उधर टकटकी निगाहों से, और उस व्यक्ति ने भी देखा तो उसको इच्छा थी शायद मैं मुझे मिल जाए। तो उस अमीर व्यक्ति ने देखा कि ठीक है उठा लो, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। तो ये जो फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 100 रुपया खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसके पास बहुत धन है। या उसे 100 रुपया मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही भिखारी, उसने उस 100 का नोट को लिया, जा रहा था तभी उसके हाथ से स्लिप हो गया, एक दूसरे भिखारी ने देख लिया और दूसरे भिखारी ने उठा लिया, लेकिन ये लड़ने लगे आपस में क्योंकि इसके लिए 100 रुपये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोलता है नहीं मेरा है, बोलता है नहीं मेरा है। यानी जब तक हम भौतिक तल पर जीते हैं हम हमेशा असुरक्षित अनुभव करते हैं, यानी हमारे लिए ये कुछ चीजें, क्षुद्र चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो उन्हें पाकर हम हर्षित हो जाते हैं और उन्हें खोकर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक तल पे जीने वाला व्यक्ति जानता है कि संसार में यदि सब कुछ मैं पा भी लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आत्मा को कौन सा सुख प्राप्त होने वाला है इस भौतिक संसार में। बड़े बड़े सम्राट जो आए हुए भी निराश होकर इस संसार से चले गए, उन्हें भी उनका भी हाथ खाली का खाली रहा। तो यह तभी केवल संभव हो पाता है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभवों से संपन्न है, अन्यथा भौतिक तल पे कोई भी व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर यानी कि हर्षित ना हो यह संभव ही नहीं, और अप्रिय वस्तु को पाकर वो दुखी ना हो यह संभव नहीं है। यानी व्यक्ति द्वंद्वों से केवल तभी पार हो सकता है जब वह गुणों से अतीत हो जाए, निर्द्वंद की स्थिति में आ जाए। और यहां पे उसके तरीका भी बताया, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ हो। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है क्योंकि अभी तक हमने जिन्हें लक्ष्य बनाया है वो सारी वस्तुएं बदलने वाली है, वो सारे व्यक्ति बदलने वाले हैं। लेकिन यदि हम किसी प्रकार से भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, भगवान स्थिर है, भगवान बदलने वाले नहीं है, आत्मा भी बदलने वाली नहीं है, यानी आत्मा का भगवान से जो संबंध है ये नित्य शाश्वत संबंध है। लेकिन जब हमारी बुद्धि भगवान में न लगकर किसी अन्य स्थान में लगती है तो फिर हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है क्योंकि चीजें बदल जाती हैं। भगवान दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में कहते हैं कि कैसे है व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विषयों का चिंतन करने से बारंबार उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति होने से कामनाएं उत्पन्न होती है कि नहीं मुझे पाना है, और कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से उसके सम्मोहित हो जाता है। स्मृति भ्रंसात बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। यहां पे है मोह रहित व्यक्ति, असमूढ़ का अर्थ है वो मूढ़ नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति जो भौतिक तलों पे जीता है, यानी कि केवल और केवल भौतिक उपलब्धियों को पाकर अपने जीवन की धन्यता समझता है, तो समझना चाहिए वो मूढ़ व्यक्ति है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण आयाम, आध्यात्मिक आयाम की अवहेलना करता है वो कैसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है? और मानो यदि किसी को पता चल जाए कि मेरे जीवन में ये महत्वपूर्ण है और पता चलने के बाद भी उस महत्वपूर्ण कार्य में वो प्रवृत्त नहीं होता, उन कार्यों के प्रति फोकस नहीं होता, तो फिर वो कौन है? वो मूढ़ व्यक्ति है। तो यहां भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और साथ ही साथ जो व्यक्ति मोह रहित है ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, या यूं कहें कि जो ब्रह्म को जानने वाला है उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, वह सम्मोह से रहित होता है,
किसी प्रकार के संसारिक चकाचौंध के प्रति वो आकर्षित नहीं होता। कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं पर वो विचलित नहीं होता। तो मोह रहित व्यक्ति का लक्षण क्या है? संसार में उथल पुथल मची ही रहती है, विचारों के शोरगुल मचे रहते हैं, भावनाओं की उहापोह में कई प्रकार से हम आंदोलित होते रहते हैं, लेकिन जो आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, जो तत्वविद है, जो ब्रह्मविद है, वो ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। तो ऐसी आध्यात्मिक स्थिति केवल और केवल हमें अपने प्रयास से प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें कुछ साधनाएं करनी होती हैं, उसकी हमें कीमत चुकानी होती है। तो भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधना है, जिससे भगवान कृपा करके जीव के हृदय में जो अज्ञानता है, जो अविद्या है, उसका नाश कर देते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जन तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके भक्तों के हृदय में ज्ञान का दिया जला देते हैं और इसे ज्ञान के आलोक से व्यक्ति के सारे संशय मिट जाते हैं और इस प्रकार इस संसार में जो द्वंद्वों से निर्मित है, सुख दुख मान अपमान शीत गर्मी जन्म मृत्यु कई प्रकार की चीजें हैं, इनमें भी वो स्थिर होकर भगवान के आश्रय में रहता है। इसकी चर्चा हम अब आगे करेंगे। शील प्रभुपाद की जय।